अंदर है कि भाई साइड के दोस्तों अभी जो है हम लोग हलमपुर आए हुए हैं। किनका घर है? जुगल चौधरी के घर में। और देख सकते हैं ये इनका कमरा है और इस बैग के पीछे बता रहे हैं सांप है। कौन सांप है दोस्तों पता नहीं, ब्राह्मण है। हाँ दोस्तों ये कोबरा सांप है, देख सकते हैं। ये गेहूमन सांप भी है और यहाँ बक्से के पीछे जो है ये सांप बैठा हुआ है, देख पा रहे हैं दोस्तों इस सांप को आप। और ये देख सकते हैं कैसी जगह में है यह सांप। और बताते चले एक जहरीला सांप है दोस्तों, तो इसे हम लोग निकालते हैं। इधर से दिखाइए है। और देख सकते हैं किस तरह से यह फन फैलाता है। तो घर के अंदर अगर ऐसा सांप है दोस्तों तो काफी खतरे वाली बात है, क्योंकि ऐसे सांप अगर घर के अंदर है आपके तो मनुष्यों से आमना सामना होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जहरीला सांप है इस वजह से क्या है कि अगर सांप डर गया और आप सांप के संपर्क में आ गए तो सांप क्या है आपको बाइट कर सकता है। तो अगर आप लोग झाड़ फूक अंधविश्वास तंत्र मंत्र के चक्कर में रह जाते हैं दोस्तों तो सांप का जहर क्या है आपकी जान ले लेगा। इसीलिए सांप काटे जब भी तो सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाना है, झाड़ फूक में नहीं रहना है। इसे ही हम लोग कोबरा सांप के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं आप इसके थन पे जो है यह जो मार्क होता है दाग आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली लोग इसे खड़ाऊ का मार्क कहते हैं, खड़ाऊ का मार्क कहते हैं इसे। लेकिन जो है एक्चुअली में क्या है यह सांप जो है सामने देखता है और जब यह फन फैला के खड़ा होता है तो इसके पीछे से एक हमला किया जा सकता है। कोई भी शिकारी है अगर तो वह इस पर हमला कर सकता है। तो यह जो मार्क है यह दाग देखने में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगता है यह कोई आंख है। तो ऐसे में यदि कोई शिकारी इसके पीछे आता है तो उसे लगता है कि यह सांप उन्हें देख रहा है और इस वजह से वह सांप पर हमला नहीं करता है और सांप जो है बच जाता है। तो यह इसके बचने का एक देख सकते हैं कोबरा हमलावर हो रहा है, अब यह गुस्सा रहा है, हो सकता है शिकार के लिए निकला हो दोस्तों। काफी दुबला पतला भी है, काफी दिनों से हो सकता है भूखा होगा और हाल फिलहाल में ही इसने अपनी केचुली उतारी है। तो चलिए इसे हम लोग अब रेस्क्यू कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब इस कोबरा सांप को हम लोग रेस्क्यू करते हैं और लेकर चलते हैं जंगल जहाँ इसे हम लोग रिलीज करेंगे। सर ते आप हमें भी करते दुकान दिखे था किया। भागिए ना आप लोग को कहीं नहीं होता। फाइनली दोस्तों सांप को हमने रेस्क्यू कर लिया, इसे ले जाकर पर्यावरण में भी रिलीज करेंगे। तो बताइए आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सर समझ कैसे लेगा समझ धक्का नहीं दे।